हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको एक डबल कलर का बेल वाला डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। ये डिज़ाइन आप किसी भी बेबी स्वेटर में या किसी गर्ल्स टॉप में किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको ये स्वेटर बना रहे हैं आप, मैंने एक ये स्वेटर बनाया है, तो आप इसमें यहाँ जैसे ये बॉर्डर बनाया और बॉर्डर के बाद आप यहाँ पर ये वाला बेल वाला डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्वेटर में ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं अब आपको ये डिज़ाइन बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन है और बहुत सिंपल है। उसमें हम ऐसे एक फ्लावर की बेल बनाएंगे और ये बेल हम किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं, नीचे स्कर्ट में डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक ये छोटा सा बेबी स्वेटर बनाया है, ये देखिए, ये मैंने एक बेबी स्वेटर बनाया है। ये तो हम यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ केवल सिंपल धारियाँ बनाई हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से मैं आपको ये डिज़ाइन बनाकर दिखा देती हूँ। तो आप ये पूरा डिज़ाइन ग्राफ की हेल्प से या जैसे मैं बताऊँगी ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे नीचे हम बॉर्डर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें नीचे अपना बॉर्डर बना लेना है। तो ये हमने बॉर्डर बनाया, उसके बाद हम दो सलाई ऐसे बनाएंगे, एक फंदा, हम एक फंदा येलो और एक फंदा ब्लैक, एक येलो और एक ब्लैक। पूरी सलाई हम ऐसे ही बनाएंगे, एक येलो और एक ब्लैक। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी एक येलो और एक ब्लैक की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, मींस जो फंदा हमारा येलो है, उस येलो फंदे को हम ब्लैक बनाएंगे और जो फंदा हमारा ब्लैक है उसको हम येलो बनाएंगे। पूरी सिलाई हम इंटरचेंज करके करेंगे, ये येलो को ब्लैक और ब्लैक को येलो बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने येलो पर ब्लैक और ब्लैक पर येलो बना लिया है। थोड़ा स्टार्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए अच्छा लगेगा ये आपका, थोड़ा सा इसके नीचे स्कर्ट बन जाएगा। अब हम इसमें ये हमने दो सिलाई बनाई है, अब हम दो सिलाई येलो बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। पहले हम ये सीधी सिलाई बना लेते हैं, दो सिलाई, एक सीधी और एक उल्टी, मैं येलो सिलाई बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधी सिलाई बना ली है। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं और उल्टी सिलाई भी हमें पूरी येलो प्लेन बना ली है। ये देखिए, हमने दो सिलाई, एक सीधी और एक उल्टी येलो बना ली है। अब हम अपनी ये वाली बेल स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं तो रेड और ब्लैक डाल रही हूँ येलो में, आप जो कलर भी चूज़ करते हैं वो कलर डाल सकते हैं। आप चाहें तो ग्रीन और रेड डाल सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है। अब मैं इसको ये स्टार्ट करती हूँ फ्लावर बनाना। शुरू में हम छह फंदे, ये देखिए, पहले हम छह फंदे यानी कि सिक्स फंदे येलो बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक छह। ये मैंने छह फंदे येलो बुने। अब हमें जिस कलर की भी लीव्स बनानी है, ये मैं ब्लैक बना रही हूँ, तो मैं एक फंदा ब्लैक बुनूँगी। अब हम सात फंदे येलो बुनेंगे। पूरी सिलाई अब हमारी केवल शुरू में हमें सिक्स फंदे बनाने हैं, बाकी सब जगह हमें सेवन येलो और एक ब्लैक ये बनाना है। ये देखिए, हमने शुरू में सिक्स येलो बनाए, बाकी पूरे में सेवन येलो एक ब्लैक, सेवन येलो एक ब्लैक। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। केवल हमारा आठ सिलाई का डिज़ाइन है, तो आप देखिए हमारे लास्ट में दो फंदे हैं। ये पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ये हमने येलो बुना, जो हमारा ब्लैक फंदा था इसको भी हम येलो बुनेंगे। और अब इसके बराबर वाले तीन फंदे ब्लैक बुनेंगे जो येलो हैं, एक दो तीन। अब हमने तीन फंदे येलो बुने, अब हम एक दो तीन चार पाँच, ये वाले पाँच फंदे येलो बुनेंगे। अब हमारी पूरी सिलाई पांच येलो और तीन ब्लैक की रहेगी, एक दो तीन चार पाँच, ये हमने ब्लैक बुन लिया। अब ब्लैक के जस्ट बराबर वाले
हमें तीन फंदे ब्लैक बुनने हैं, एक दो तीन, सॉरी येलो के बराबर वाले, जो पहले हमारा एक ब्लैक फंदा था उसके जस्ट बराबर वाले। अब हम फिर से पांच फंदे अपने येलो बनाएंगे। देखिए ये हमारी पूरी सिलाई, शुरू में तीन येलो हुए हैं, फिर तीन ब्लैक, पांच येलो, तीन ब्लैक, पांच येलो, तीन ब्लैक, लास्ट में जितने बचते हैं तीन येलो। अब हम इधर आ गए हैं सीधी सिलाई पर। अब ये देखिए, जो ये हमारे तीन येलो थे स्टार्टिंग में, तीन येलो बचे हैं। अब हम इनमें से दो येलो बुनेंगे ऐसे, और ये जो ब्लैक के बराबर वाला येलो है इसको हम ब्लैक बनाएंगे। इसको ब्लैक बनाएंगे और इसको ब्लैक बनाएंगे, ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनाएंगे, तो हमारे दो ब्लैक हो गए हैं। अब हम एक फंदा येलो बनाएंगे, ये ब्लैक वाले को, ये वाला हमने, ठीक है। और अब हम इसको मिलाते हुए एक दो तीन, तीन ब्लैक, फिर से वही। अब हमारे बीच में एक दो, दो येलो, एक फंदा इससे एक्स्ट्रा रखना है, दो येलो, दो ब्लैक, एक येलो, तीन ब्लैक, एक दो तीन, फिर से दो येलो, दो ब्लैक, एक येलो और तीन ब्लैक, एक दो तीन। पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही होती जाएगी। ये देखिए तीन सिलाई हो गई हैं। अब हम चौथी सिलाई पर आ गए हैं, तो ये देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा येलो है, तो इसको हम बिना बुना उतार लें या बुन लें, आपकी इच्छा है। अब हमारे जो ये तीन फंदे ब्लैक हैं, इन तीन में से हम दो ब्लैक, एक दो, दो फंदे हमने ब्लैक बनाए, जो ब्लैक बचा लास्ट का इसको हम येलो बनाएंगे, और जो येलो है इसको हम ब्लैक बनाएंगे। ये देखिए, और अब ये जो दोनों ब्लैक हैं, ये एक दो तीन और एक चार, ये चार हमारे येलो हो गए। पूरी सिलाई सेम रहेगी। अब हमने दो ब्लैक, एक येलो और एक ब्लैक, फिर चार येलो, एक दो तीन चार, फिर दो ब्लैक, एक दो, एक येलो, एक ब्लैक, चार येलो। ये हमारी पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी चार सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये ब्लैक कलर का काम ख़त्म हो गया है। अब हमारी फिफ्थ रो आ गई है। अब हमें इसमें रेड कलर का ये फ्लावर बनाना है। ये देखिए, अब हमें ध्यान देना है, शुरू में हमारे पास चार फंदे येलो हैं, तो हम इसमें से दो येलो बनाएंगे, एक और एक दो, दो फंदे हमने येलो बनाए। अब हम इस ब्लैक को मिलाते हुए एक दो तीन, तीन फंदे हम रेड बनाएंगे, एक दो और एक ये ब्लैक को, तीन, तीन रेड। और अब हम एक दो तीन चार, और एक पांच। अब हमारी पूरी सिलाई तीन रेड और पांच येलो की रहेगी, एक दो तीन, रेड वाला हमारा लास्ट होना चाहिए, फिर से पांच येलो, इसी तरह पांच येलो तीन रेड, पांच येलो तीन रेड। ये देखिए, अब हमारे
पांच तीन तीन रेड, पांच येलो, तीन रेड, पांच येलो, तीन रेड, चार लास्ट में जितनी बचती हैं। अब हम सिक्स्थ रो पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारे अब हमारे ये चार फंदे येलो हैं, इनमें से हमें पहला उतारा दो तीन, तीन फंदे येलो, और ये तीन के हम पांच बनाएंगे, एक इसका इधर का और एक इसका इधर का लेंगे, ये दोनों साइड से ले लेंगे, ये रेड इसको एक दो तीन, चार और एक पांच, ये हमारे पांच रेड हो गए हैं, तो अब येलो तीन हो जाएंगे, एक दो तीन, अब फिर से पांच रेड, एक दो तीन चार पांच, फिर से तीन येलो, पूरी सिलाई हमारी पांच रेड और तीन येलो की रहेगी। ये देखिए हमारी सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गई है, हम सेवन्थ रो पर आ गए हैं, एक फंदा येलो है, एक बुने एक उतार लेंगे। अब ये जो हमारे पांच रेड हैं, पांच हैं, इनमें से हम पांच को डिवाइड करेंगे, दो फंदे हम एक दो रेड बुनेंगे और सेंटर का एक फंदा येलो, फिर से दो रेड, एक दो, और अब ये तीन येलो, एक दो तीन, और इन पांच को फिर से ऐसे ही डिवाइड करेंगे, दो और अब एक और अब दो रेड, तीन येलो हैं सेम रहेंगे, एक दो तीन, एक दो एक, ये देखिए ऐसे पूरी सिलाई हमारी सेवन्थ रो ऐसे हो जाएगी। ये हमारी सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई है, अब हम आठवीं और लास्ट सिलाई पर आ गए हैं, एट्थ रो में आ गए हैं। यहाँ हमारे तीन येलो हैं, तो हम इनको चार बना लेंगे, एक दो तीन, एक रेड में से लेंगे चार, चार हमारे येलो हो गए, तीन रेड बनाएंगे, एक सेंटर वाला लेंगे, दो तीन, अब ये हमारी पूरी सिलाई पांच येलो और तीन रेड की चलेगी, एक दो तीन, चार पांच, अब हमारी ये पांच येलो तीन रेड, एक दो तीन, फिर से पांच येलो, एक दो तीन, चार पांच, और ये हमारे तीन रेड, एक दो तीन, ये देखिए इस तरह से ये हमारी बेल कंप्लीट हो गई है, ये देखो कितनी प्यारी बनी है। अब हम इस पे जैसे हमने नीचे दो सिलाई येलो प्लेन की थी, ऐसे ही इसके ऊपर दो सिलाई येलो प्लेन बना लेते हैं। ये देखिए जैसे हमने नीचे इसमें दो सिलाई प्लेन की थी, ऐसे ही ऊपर भी हमने दो सिलाई बना ली है। अब जो बॉर्डर हमने ये नीचे बनाया है सेम ऐसा ही हम ऊपर बना लेते हैं। अब हम एक फंदा येलो और एक ब्लैक का बनाएंगे, ये देखिए हमने एक सिलाई बना ली है, अब हम दूसरी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, ये फंदा हमारा ब्लैक है इसको हम येलो बनाएंगे, और ये येलो है तो हम इसको ब्लैक बनाएंगे, पूरी सिलाई ऐसे ही चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बना है, इसी आप किसी भी मफलर, जैसे मफलर बनाते हैं मफलर में स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, किसी कैप में, किसी बेबी स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, किसी के नेक में, किसी में भी ये वाला डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत प्यारा और बहुत सिंपल डिज़ाइन है, मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिया है और मैंने आपको इसका ग्राफ भी दिखाया है। अगर आपको ग्राफ से समझ आता है तो आप ये देखिए ग्राफ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको
ग्राफ से बना सकते हैं। ये लीजिए, ये देखिए ग्राफ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बड़े आराम से ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए किसी में भी डालिएगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।